choose you. I choose you. So hey Pokemon lovers, welcome back to the 12th episode of Pokemon Multiverse Versus series, जिसके 11 parts पहले आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके पहले उन्हें देख लेना, जिससे आपकी स्टोरी इजिली समझ में आ जाएगी। एंड इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। सो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स बिगिन। सो आपने पिछले एपिसोड में देखा कि एश के गवाइट और लैरिसा के एंटी के बीच में एक बैटल हो रही थी, एंड जिसमें गवाइट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। एंड अब देखते हैं उसके बाद कि लास्ट में एंटे अपने सिग्नेचर मूव डूम फायर का यूज़ करता है, एंड जो गवाइट होता है वो डबल टीम के साथ ड्रैगन रेज का यूज़ करता है। एंड दोनों के अटैक्स आपस में कोलैप्स हो जाते हैं, एंड एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एंड इसके आगे हम देखने वाले हैं आज के एपिसोड में। सो धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि गवाइट नीचे गिरा हुआ है, एंड एंटे अभी भी सही सलामत खड़ा हुआ है। एंड तभी लैरिसा बोलती है, एश अब तुम्हारे पोकेमॉन का आखिरकार खेल खत्म हो ही गया, एंड मैंने तो तुमसे पहले ही बहुत बार कहा ही था कि तुम्हारा गवाइट मेरे एंटी के सामने नहीं टिक पाएगा। एंड तभी हम देखते हैं कि एश बोलता है, गवाइट क्या तुम ठीक हो, क्या तुम लड़ सकते हो। तभी हम देखते हैं कि गवाइट लैरिसा की बातें सुनकर वापस से खड़ा होने लगता है, एंड वो वापस से खड़ा भी हो जाता है। एंड तभी लैरिसा देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। एंड तभी एश बोलता है, बहुत बढ़िया गवाइट, चलो अब इसको ख़त्म करते हैं। गवाइट के ग्राउंड टाइप होने की वजह से अभी तक वो खड़ा हुआ है, एंड फायर का उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर और कोई पोकेमॉन होता तो प्रोबेबली वो ज़रूर हार जाता। एंड तभी हम देखते हैं कि लैरिसा बोलती है, चलो एंटे अपनी पूरी पावर के साथ फायर स्पिन यूज़ करो। एंड तभी हम देखते हैं एंटे अपने फायर स्पिन से हमला कर देता है, लेकिन तभी गवाइट अपने सैंड स्टॉर्म का यूज़ करता है एंड फायर स्पिन को काउंटर कर देता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि गवाइट अपने एरियल से हमला करता है, जो कि एंटे को लग जाता है, लेकिन एंटे पर इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गवाइट की पावर एंटे के लेवल के हिसाब से काफ़ी कम थी अभी। एंड तभी हम देखते हैं कि एंटे अपने टॉक्सिक अटैक से हमला कर देता है, एंड तभी ऐसा अपने गवाइट को ड्रैगन रेज यूज़ करने के लिए बोलता है, एंड गवाइट अपने ड्रैगन रेज से हमला कर देता है। दोनों के मूव आपस में टकरा के एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एंटे अपने फायर ब्लास्ट से अटैक कर देता है, एंड तभी गवाइट अपनी डबल टीम का यूज़ करता है एंड फायर ब्लास्ट से बच जाता है। एंड उसके बाद गवाइट एरियल लेस से हमला कर देता है, जो कि एंटे को जाके लग जाता है। एंटे पीछे जाके गिरता है, लेकिन वो वापस से खड़ा हो जाता है। तभी लैरिसा बोलती है, चलो बहुत हुआ, चलो जाओ एंटे फ्लेयर ब्लिट्स यूज़ करो। एंड एंटे अपने फ्लेयर ब्लिट्स का यूज़ करता है, जो कि सीधा जाके गवाइट को लग जाता है। एंड गवाइट पीछे जाके गिरता है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है एंड नीचे गिर जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि लैरिसा बोलती है, एश अब लगता है ये फाइनली ख़त्म हो गया है। तभी एश कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि गवाइट वापस से खड़े होने की कोशिश करने लगता है। एंड तभी लैरिसा बोलती है, क्या उसमें अभी भी जान बाकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा एश तुम्हारा गवाइट इतने ज़्यादा जीतने की कोशिश क्यों कर रहा है। एंड तभी लैरिसा बोलती है कि लगता है कि गवाइट तुम्हारे लिए इस मैच को जीतना चाहता है। एंड तभी एश बोलता है, क्या। एंड उसे समझ आता है कि हाँ, शायद इसलिए गवाइट बार बार अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, वो बार बार बैटल से हार नहीं मान रहा है। एंड तभी एश बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी गवाइट को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड तभी एश बोलता है, ठीक है गवाइट तुम कर सकते हो, चलो खड़े हो जाओ। एंड तभी हम देखते हैं कि गवाइट वापस से खड़ा हो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से गवाइट के अंदर एक बार फिर से रोशनी निकलने लगती है। एंड हम देखते हैं कि गवाइट एक बीस्ट बन जाता है, मतलब कि गवाइट इवॉल्व हो जाता है गार्चॉप में। एंड ये देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, एंड लैरिसा एंड बाकी सारे लोग, कमेंटेटर एंड सारी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। एंड तभी लैरिसा बोलती है, क्या एक ही बैटल में दो दो बार इवॉल्व, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड कमेंटेटर बोलता है, एश केचम चैंपियन का गवाइट एक ही बैटल में दो बार इवॉल्व हो चुका है, पहले गिबल से गवाइट और फिर अब गवाइट से गार्चॉप, आखिर ये संभव भी है। एंड तभी एश ये देखकर बोलता है, गवाइट ये तुमने कैसे किया, लेकिन जो भी किया ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तभी लैरिसा बोलती है, दिस इज इम्पॉसिबल, मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा। तभी एश बोलता है, गवाइट मेरा मतलब गार्चॉप, ये तुमने कैसे भी किया जो भी किया, बट सच में तुम बहुत ही ज़्यादा कूल हो एंड एक ऑसम पोकेमॉन हो, तो चलो अब मिलकर एंटे को हराते हैं। एंड तभी लैरिसा बोलती है कि एश तुम्हारा ये पोकेमॉन में कुछ अलग ही बात है, बट हम हार नहीं मानने वाले, हम इसी मैच को ज़रूर जीतेंगे। एंड तभी हम देखते हैं कि बैटल एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती है। तभी एश अपने मन में सोचता है कि गार्चॉप ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लिया है एंड अब वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, हमें कैसे भी करके इस बैटल को जल्दी ही ख़त्म करना पड़ेगा।
एंड तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है चलो गार्चम डबल टीम यूज करो, एंड हम देखते हैं गार्चम अपने डबल टीम का यूज करता है, एंड उसके बाद गार्चम अपने ड्रैको मीटोर से अटैक कर देता है, एंड एक के बाद एक ड्रैको मीटोर स्टेडियम में गिरने लगते हैं एंड एंटे को जाके लग जाते हैं, एंड एंटे काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। एंड इसमें ड्रैको मीटर की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी लैर्सा बोलती है चलो एंटे फ्लेम थ्रोअर यूज करो, एंड एंटे अपने एक जोरदार फ्लेम थ्रोअर से हमला कर देता है। एंड तभी हम देखते हैं कि गार्चम अपने डुअल चॉप की मदद से फ्लेम थ्रोअर को काट देता है एंड उससे बच जाता है। तभी ऐश बोलता है चलो गार्चम फायर ब्लास्ट यूज करो, एंड गार्चम अपने फायर ब्लास्ट से अटैक कर देता है, एंड एंटे भी अपने फायर ब्लास्ट से अटैक करता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं एंड एक एक्सप्लोजन हो जाता है एंड चारों ओर धुआं फैल जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन्स अभी भी खड़े हुए हैं, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि गार्चम अपने ड्रैगन डस्ट से अटैक कर देता है, एंड अपना एंटे है वो अपने फेयर ब्रिड्स का यूज करता है। दोनों डेडली मूव्स आपस में टकराते हैं एंड फिर से एक एक्सप्लोजन हो जाता है एंड चारों ओर अर्थक्वेक्स आने लगते हैं। एंड हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स अभी भी खड़े हुए हैं लेकिन गार्चम काफी ज्यादा थक चुका था। तभी ऐश बोलता है चलो गार्चम डबल टीम यूज करो, एंड उसके बाद ड्रैगन क्लॉ यूज करो, एंड गार्चम अपने डबल टीम का यूज करता है एंड अपने ड्रैगन क्लॉ से एंटे के ऊपर हमला कर देता है, एंड जिससे एंटे लगातार डॉज करने लगता है। एंड तभी हम देखते हैं कि एंटे अपने आसपास से फायर एनर्जी निकालता है बहुत सारी, एंड जिससे सारे क्लोन गायब हो जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि गार्चम एकदम से हाइपर बीम का हमला कर देता है जो कि एंटे को लग जाता है एंड एंटे पीछे जाके गिरता है। तभी लैर्सा होती है अब बहुत हो गया, चलो एंटे अपनी फुल पावर के साथ एक बार फिर से अपना सिग्नेचर मूव डूम फायर यूज करो, एंड एंटे अपने सुपर पावरफुल मूव से हमला कर देता है। एंड तभी ऐश बोलता है ठीक है गार्चम अब सही समय है, तुम भी अपनी पूरी फुल पावर का यूज करो, एंड डबल टीम यूज करने के बाद ड्रैगन रेस से हमला करो। एंड हम देखते हैं कि गार्चम अपने डबल टीम के साथ ड्रैगन रेस से हमला कर देता है, एंड दोनों के मूव आपस में टकरा जाते हैं जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है एंड चारों ओर स्मोक फैल जाता है, एंड थोड़ी देर बाद स्मोक हट जाता है। एंड हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स नीचे गिरे हुए हैं एंड दोनों ही फेंट हो चुके हैं। एंड तभी रेफरी बोलता है दोनों ही पोकेमॉन्स अब लड़ नहीं सकते, ये मुकाबला टाई हुआ। एंड तभी ये देखकर ऐश थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, एंड तभी लैर्सा भी देख के ये शॉक्ड हो जाती है कि उसका एंटी फेंट हो चुका है। एंड तभी ऐश और लैर्सा दोनों अपने पोकेमॉन्स को वापस बुला लेते हैं। एंड ऐश बोलता है हम भले ही एंटी को हरा नहीं पाए लेकिन हमने एक टाई किया, एंड ये अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड तभी हम देखते हैं कि टोबैस भी अपने चेहरे पे एक स्माइल लाता है, एंड वो बोलता है ऐश सच में तुमने एक लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ अपनी बैटल को टाई किया, मतलब कि तुम्हारा जो पोकेमॉन है वो सच में स्पेशल है। एंड तभी लैर्सा बोलती है कि इतने सारे हमलों के बाद भी ये मुकाबला टाई हो गया, मुझे मानना पड़ेगा ऐश तुम्हारे पोकेमॉन्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी ऐश बोलता है हाँ और तुम्हारे पोकेमॉन्स भी। तभी ऐश बोलता है ये मुकाबला तो टाई हो गया लेकिन अगला मुकाबला मैं ही जीतूंगा, तो चलो बाहर आओ स्टार एप्टर मैं तुम्हें चुनता हूँ। एंड तभी लैर्सा बोलती है एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन, एंड तभी लैर्सा बोलती है चलो बाहर आओ गैराडोस अपना कमाल दिखाओ, एंड लैर्सा का अगला पोकेमॉन होता है गैराडोस एंड ऐश का स्टार एप्टर। एंड तभी रेफरी बोलता है तो ठीक है फिर ये बैटल शुरू करो। तभी लैर्सा बोलती है चलो गैराडोस वाटर गन यूज करो, एंड गैराडोस अपने वाटर गन से हमला कर देता है। एंड तभी हम देखते हैं स्टार एप्टर फ्लाइक अटैक का यूज करके उससे डॉज कर लेता है। एंड तभी ऐश बोलता है चलो स्टार एप्टर एरियलिस यूज करो, एंड स्टार एप्टर अपनी स्पीड से जाके एरियलिस से हमला कर देता है जो कि गैराडोस को लग जाता है एंड गैराडोस थोड़ा डैमेज हो जाता है। तभी ऐश बोलता है चलो स्टार एप्टर क्विक अटैक यूज करो, एंड स्टार एप्टर अपने क्विक अटैक से हमला करता है लेकिन तभी हम देखते हैं गैराडोस अपने हरिकेन का यूज करता है जिससे स्टार एप्टर पीछे जाके गिरता है। एंड तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है चलो स्टार एप्टर एक बार फिर से एरियलिस यूज करो, एंड स्टार एप्टर एक बार फिर से एरियलिस से हमला कर देता है लेकिन तभी हम देखते हैं गैराडोस अपने बाइट अटैक की मदद से स्टार एप्टर पर हमला कर देता है जो कि स्टार एप्टर को डैमेज कर देता है। तभी ऐश बोलता है चलो स्टार एप्टर ब्रेव वर्ड यूज करो, एंड स्टार एप्टर अपने मोस्ट पावरफुल अटैक्स हमला कर देता है। एंड तभी हम देखते हैं गैराडोस अपने हाइड्रो पंप का यूज कर देता है लेकिन स्टार एप्टर हाइड्रो पंप को चीरते हुए सीधा जाके ब्रेव वर्ड उसका गैराडोस को लग जाता है एंड गैराडोस थोड़ा डैमेज हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि लैर्सा अपने गैराडोस को रिंडास यूज करने के लिए बोलती है, एंड बारिश होना स्टार्ट हो जाती है एंड जिससे वाटर टाइप अटैक की पावर बढ़ जाती है, एंड साथ ही साथ स्टार एप्टर के जो विंग्स है वो गीले होने लगते हैं जिससे अब वो ज्यादा अच्छे से फ्लाई नहीं कर पा रहा था। एंड ये देख के ऐश थोड़ा दिक्कत में आ जाता है। एंड तभी लैर्सा बोलते है चलो गैराडोस यही समय है जाओ बाइट यूज करो, एंड गैराडोस अपने बाइट अटैक से हमला करने जाता है लेकिन तभी ये देखते हैं कि स्टार एप्टर उससे डॉज कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं गैराडोस अपने फ्लेम थ्रोअर से हमला करता है, एंड हम देखते हैं कि स्टार एप्टर उसे गस्ट अटैक से काउंटर कर देता है। एंड तभी ऐश बोलता है बहुत बढ़िया स्टार एप्टर चलो जाओ अब विंग अटैक यूज करो, एंड स्टार एप्टर अपने विंग अटैक से हमला करता है लेकिन तभी हम देखते हैं गैराडोस अपने आइस फैंग से हमला कर देता है जो कि स्टार एप्टर को लग जाता है एंड वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि गैराडोस अपने एक्वा टेल का यूज करता है एंड एक जोरदार हिट मारता है स्टार एप्टर के ऊपर, एंड उससे उसकी आइस ब्रोक हो जाती है एंड स्टार एप्टर पीछे जाके गिरता है एंड वो वहीं फेंट हो जाता है।
तभी रेफरी बोलता है स्टारेप्टर अब लड़ नहीं सकता, इस राउंड का विनर है गैराडोस। तभी ऐश ये देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है एंड वो अपने स्टारेप्टर को वापस बुला लेता है। एंड वो बोलता है मुझे माफ करना स्टारेप्टर, मेरी वजह से हम दोनों हार गए। एंड फिर ऐश बोलता है लेकिन तुम चिंता मत करो, अब आगे हम इसे संभाल लेंगे। तभी ऐश बोलता है चलो बाहर आ जाओ गेंगार, मैं तुम्हें चुनता हूँ। तभी लैरसा बोलती है एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन, नाइस चॉइस, लेकिन देखते हैं अब तुम्हारा गेंगर क्या करता है। तभी रेफरी बोलता है तो ठीक है फिर ये बैटल शुरू करो। तभी लैरसा बोलती है चलो गैराडोस हाइड्रो पंप यूज करो। एंड हम देखते हैं कि गैराडोस अपने हाइड्रो पंप से अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश का जो गेंगर होता है वो डबल टीम का यूज कर देता है एंड जिसकी वजह से वो गैराडोस के हाइड्रो पंप से बच जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि गेंगर अपने शैडो बॉल से हमला कर देता है जो कि गैराडोस को लग जाता है एंड गैराडोस नीचे गिर जाता है, लेकिन गैराडोस वापस से खड़ा हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि गैराडोस अपने हाइपर बीम का यूज करता है एंड गेंगर अपने डार्क पल्स का यूज करता है। दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं एंड दोनों की पावर जो थी वो बिल्कुल इक्वल थी, जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजन हो जाता है। एंड हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन अभी भी ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने गेंगर को एक बार फिर से डबल टीम यूज करने के लिए बोलता है और गेंगर अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गैराडोस अपने हरिकेन का यूज करता है एंड जिससे गेंगर के सारे क्लोन्स वापस से गायब हो जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि गैराडोस एक बार फिर से हाइड्रो पंप से अटैक करता है, लेकिन तभी ऐश अपने गेंगर को साइकिक अटैक की मदद से उसे रोकने के लिए बोलता है एंड गेंगर अपने साइकिक अटैक की मदद से हाइड्रो पंप को रोक देता है एंड उसकी डायरेक्शन गैराडोस की तरफ कर देता है एंड हाइड्रो पंप गैराडोस को ही जाके लग जाता है जिससे गैराडोस डैमेज हो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि गेंगर अपने शैडो बॉल से हमला कर देता है, लेकिन गैराडोस अपने प्रोटेक्ट का यूज करके उससे बच जाता है एंड अपने ड्रैगन रेस अटैक से हमला कर देता है जो कि सीधा जाके गेंगर को लग जाता है एंड गेंगर थोड़ा डैमेज हो जाता है। उसके बाद गेंगर अपने नाइट शेड से हमला करता है जिससे गैराडोस अपने प्रोटेक्ट अटैक की मदद से डॉच कर लेता है। एंड उसके बाद गैराडोस अपने टेल से गेंगर को पकड़ लेता है एंड गेंगर हिल नहीं पा रहा था। एंड तभी ऐसा बोलता है गेंगर डैजलिंग ग्लिम यूज करो एंड गेंगर अपने डैजलिंग ग्लिम का यूज करता है जो कि सीधा जाके गैराडोस को हिट हो जाता है एंड ये वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था एंड गैराडोस यही फेंट हो जाता है। तभी रेफरी बोलता है गैराडोस अब लड़ नहीं सकता, इस राउंड का विनर है गेंगर और ऐश। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि लैरसा अपने गैराडोस को वापस बुला लेती है एंड फिर लैरसा बोलती है बहुत बढ़िया ऐश, लेकिन जब देखते कि तुम मेरे अगले पोकेमॉन को कैसे हराओगे, चलो बाहर आओ गार्डिवॉर, मैं तुम्हें चुनती हूँ। एंड हम देखते हैं कि लैरसा का नेक्स्ट पोकेमॉन था गार्डिवॉर एंड ये देख ऐश बोलता है एक फेरी टाइप पोकेमॉन, चलो देखते हैं अब ये राउंड कौन जीतता है। सो आज के एपिसोड में बस इतने ही रखते हैं एंड यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, लाइक एम रखते हैं अगेन एंड अगेन 570 लाइक एम का, जो कि यार पिछले 10 वीडियोस हो गए लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो यार अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो यार जरूर से लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये एपिसोड। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, अंटिल देन गुड बाय।